कांग्रेस की बैठक बुलाई थी, इस बैठक के हवाले से भैया बताइए हमें कि इसका क्या मुद्दा था और क्या किस हवाले से बुलाए थे आप? एग्जीक्यूटिव मीटिंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की मीटिंग हमने बुलाई थी आज। यहाँ पर कुछ हमें कुछ हमने डिस्कस किया कि पिछले 10 दिन से जो रियासत के हालात थोड़ा कशीदा हैं, पाक बॉर्डर पर लोगों को जो परेशानियाँ हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस की। उसके अलावा भी हमें कुछ अपने तंजीमी मामला थे उसके बारे में यहाँ पर हमने, और जो इस वक्त पकड़ दकड़ी गैर जमहूरी तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया सरकार ने जमात इस्लामिया के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इनको जमात इस्लामिया की को इन्होंने रोक लगाई तो आरएसएस को इन्होंने क्यों छोड़ दी? ये इस एग्जाम से नरेंद्र मोदी का ये के उसने जमहूरियत का जनाजा निकाला का एक खेल है, लोगों को परेशान करता है। धारा 370 कांग्रेस की देन है, दफा 35 है कांग्रेस की देन है। किसी भी सूरत में रियासती कांग्रेस इस दफा को के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं देगी। रियासत जम्मू कश्मीर में मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह रियासत जम्मू कश्मीर से भी बाजा है तो हम अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। युवाओं के लिए जो आए हमारे युवाओं को दावत है हमारी, वो कांग्रेस ज्वाइन करें। कांग्रेस ही वो पार्टी है, कांग्रेस में उनका मुस्तकबल है रियासत में और मुल्क में भी। कांग्रेस के बगैर इस मुल्क को कोई चला सकता है ना कोई रियासत को। ये यहाँ के हर एक नौजवान इनको पता है।